तो अब हम आज इंक्वायरी बारे में हमने जो तीन वीडियोस बनाए थे, इंक्वायरी कैसे की जाती है रेलवे में, इंक्वायरी अथॉरिटी को क्या क्या चीज ध्यान रखनी है और क्या क्या बातें अपने दिमाग में रखनी है जब इंक्वायरी करना, और इंक्वायरी के क्या स्टेप्स है वो हमने पढ़े थे। हमने जो भी पढ़े थे इंक्वायरी के अंदर वो डीआर मैनुअल के बारे में लिखा था। मैनुअल काफी कम, हालांकि लोगों को लग रहा काफी लंबा है, लेकिन एक्चुअली मैनुअल में काफी कम शब्द होते हैं। और डिटेल इंक्वायरी क्या होती है वो जनरली किसी भी सब्जेक्ट में, रेलवे बोर्ड कई लेटर निकालता है किसी भी सब्जेक्ट में भी, रेलवे बोर्ड जो मैनुअल्स में बातें जो होती है वो लिमिट होती है, उसको अपलोड जो होता है रेलवे बोर्ड कई लेटर्स में करता है, उन्हीं लेटर्स को रेलवे बोर्ड सब एक साथ में कंपाइल करके मास्टर सर्कुलर निकालता है। इंक्वायरी ऑफिसर, डिसिप्लिन अथॉरिटी, इन लोगों को क्या करना है, कैसे काम करना है, ये रेलवे बोर्ड ने मास्टर सर्कुलर नंबर 67, ये हमारा मास्टर सर्कुलर है 67, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन व्यू बाय द डिसिप्लिन अथॉरिटी, अपडेट अथॉरिटी एंड रिविजन अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी एंड इंक्वायरी ऑफिसर वाइल हैंडलिंग डिसिप्लिनरी केसेस। तो एआर केसेस करते वक्त डीआर मैनुअल में काफी सारी बातें लिखी है, लेकिन मेरा मानना है कि वो काफी ब्रीफ में लिखी थी, लेकिन अगर आपको सही में इंक्वायरी करनी है तो आपको इसमें मास्टर सर्कुलर से भी काफी बातें आप समझ सकते हो। तो मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि कभी भी हम एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कभी भी कहीं एक जगह कुछ लिखा हुआ है तो उसके ऊपर मत जाइए, पूरा उस सब्जेक्ट पे पूरा थोरली स्टडी कीजिए। इंक्वायरी के ऊपर मैनुअल हमारा हो गया डीआर मैनुअल, अब मास्टर सर्कुलर में भी अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग इंक्वायरी की सारी बातें कवर हो जाती है। तो हम इंक्वायरी करेंगे तो हमारी इंक्वायरी सही जाएगी, और जो जो इसमें बातें हैं वो हमको चीज समझ में आनी चाहिए। इसमें 15 नंबर का पॉइंट जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर के लिए है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर पॉइंट है, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन व्यू बाय द इंक्वायरी ऑफिसर। बातें वापस सारी सारी रिपीट की है जो मैनुअल में है, थोड़ी लेकिन विस्तार में बताया हुआ है, एक बार दोबारा भी हम सुनेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। दोबारा रिपीट उसमें हो रही है जो बातें बता दी। लिखा हुआ पहला एम है, प्रिलिमिनरी हियरिंग शुड इनवायरेबली बी हील्ड फर्स्ट आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस एज स्पेसिफाइड इन रूल 11। जैसे मैंने बताया था, कभी भी कोई इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेशन होता है SF7 से, जब उसको SF7 मिलता है किसी ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया जाता है, तो वो उसके बाद जैसे चार्जशीट और सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो सबसे पहले वो पीएच प्रिलिमिनरी हियरिंग के लिए डेट फिक्स करता है। वही बात रेलवे बोर्ड ने मास्टर सर्कुलर में कही है कि सबसे पहले आपको इनवेरिएबली प्रिलिमिनरी हियरिंग करनी है। आगे लिखा हुआ फॉर्मल नोटिसेज हैव टू बी सेंड टू ऑल कंसर्न फॉर ऑल द रेगुलर हियरिंग्स टू, फिर रेगुलर हियरिंग के लिए भी नोटिसेज इश्यू करनी है। ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी हियरिंग चार्ज ऑफिशियल शुड बी आस्क द इंक्वायरी ऑफिसर Whether he has received the charge sheet, understood the charge sheet, charges against him, and whether he accept those charges. मैंने जैसे बताया था इससे पहले भी, डीआर मैनुअल ने बताया था कि जब पीएच हम करते हैं प्रीलिमिनरी हियरिंग, तो हमको 5-7 क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चार्जशीट आपको मिल गई है, सर्व हो गई है, चार्जेस आपने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, डिफेंस खुद करेंगे, वही बातें यहाँ की है। तो यहाँ जो उन्होंने बात की है कि क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि वेदर ही हैज रिसीव द चार्जशीट, मतलब क्या उसने चार्जशीट उसको मिल गई है, सर्व हो गई है, अंडरस्टूड द चार्जेस अगेंस्ट हिम, उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं तो उसने उसको समझ लिया है, वेदर ही एक्सेप्ट द चार्जेस, ये तीसरा क्वेश्चन मैंने जैसे बताया था कि अब वो पूछा जब उसने चार्जेस चार्जशीट मिल गई है, चार्जशीट उसको उसने चार्जेस क्या लगाया उसके ऊपर समझ लिया है, अगला क्वेश्चन ये आएगा कि क्या आप चार्जेस को एक्सेप्ट करते हो गया। यहाँ मैं बता दूं, अगर कोई भी इंक्वायरी ड्यूरिंग पीएच में सारे चार्जेस, सारे मतलब सारे होते हैं, अगर 4 में से 3 भी हैं तो फिर आपको एक के लिए इंक्वायरी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर सारे के सारे चार्जेस एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, वो सीधा चार्जेस एक्सेप्ट करेगा और वापस केस को लौटा देगा। यहाँ पूछेगा चार्जेस एक्सेप्ट करता है नहीं करता है। फिर आगे है, द चार्ज ऑफिशियल शुड ऑल्सो बी आस्ड इफ ही हैज इंस्पेक्टेड द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड इन द चार्जशीट। चार्ज ऑफिशियल जो रहेगा उससे ये भी पूछा जाएगा कि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं चार्जशीट में, क्या आप उसको इंस्पेक्शन उसमें देख लिए हैं। वेदर ही वांट सम एडिशनल डॉक्यूमेंट, क्या वो कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को चाहिए क्या अपने डिफेंस के लिए। एंड वेदर ही विश टू प्रोड्यूस सम डिफेंस डॉक्यूमेंट विटनेस, क्या वह कुछ डिफेंस डॉक्यूमेंट यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उसकी हेल्प करेंगे, उसको मदद करेंगे, और विटनेसेस की क्या वो प्रोड्यूस करना चाहेगा, लाना चाहेगा। इफ एनी ऑफ द डिफेंस विटनेस आर नॉट फाउंड टू बी रिलेवेंट द इंक्वायरी ऑफिसर मे डिसअलाउ द एविडेंस। तो जो चार्ज ऑफिशियल है, अगर मान लीजिए कुछ डिफेंस आना चाहता है विटनेसेस को, लेकिन अगर इंक्वायरी ऑफिसर को लगता है कि ये उससे रिलेवेंट नहीं है तो मना कर सकता है। रिलेवेंस ऑफ एनी विटनेस मे बी कंसिडर्ड बाय द इंक्वायरी ऑफिसर फ्रॉम द चार्जशीट
चार्ज ऑफिशियल्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसका जो बता रहे हैं कि मना करेगा तो चार्ज ऑफिशियल की नजर से देख के मना करेगा, ये नहीं कि उसको स्टेट में मना कर देगा, जो ऑफिशियल की नजर से देखेगा कि यार तो कुछ फायदा हुआ कि नहीं है, उस तरह की बात है। और एक चीज मैंने जो बताई थी वो भी जनरल पूछते हैं कई बार, आप अपना डिफेंस करेंगे कि किसी को रखेंगे, वो क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है इसमें। तो इस तरह की कॉमन कॉमन बातें पूछी जाती है पीएच के दौरान। तो ये पहला जो पैराग्राफ था, पीएच कैसे करनी है, जो लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं वो पीएच के बारे में यहाँ से सीख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे आएगा, इफ द चार्ज ऑफिसर रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द इंक्वायरी एंड इफ इन द ओपिनियन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर सम और ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिलेवेंट टू द केस, देन द इंक्वायरी ऑफिसर हैज टू रिकॉर्ड इन राइटिंग हिज रीजंस फॉर रिफ्यूजल ऑफ रिक्विजिशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड इन रूल 9(5) ऑफ रेलवे सर्वेंट डीआर रूल्स एंड एडवाइज द चार्ज ऑफिसर अबाउट द डिसीजन। इसमें ये कहा गया है कि चार्ज ऑफिसर अगर कोई रिक्वेस्ट करता है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए, इंक्वायरी ऑफिसर को लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स उसने मांगे हैं तो सारे या उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो केस से रिलेवेंट नहीं है, और ये मैंने खुद ने भी देखा, मैंने भी इंक्वायरी अटेंड की, कई बार क्या होता है बिना बात के पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि भाई इंक्वायरी डिले करनी है या परेशान करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, दुनिया भर का मांग लेते हैं। तो कई बार सही बात है इसमें कि रिलेवेंट भी बहुत ज्यादा मांगे जाते हैं, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है। क्या जो इंक्वायरी ऑफिसर लगता है कि या तो कुछ या सारे ही रिलेवेंट है तो मना करता है, लेकिन मना करने का रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और एक और चीज मैं बता दूं, इसमें लिखा नहीं है क्योंकि मैंने इंक्वायरी अटेंड की है, कि चार्ज ऑफिशियल को भी जब डॉक्यूमेंट्स मांगना पड़ता है तो वो वर्बली भी मांग सकता है, तो वो इसमें लिख देते हैं, लेकिन अगर लिखित में भी कई बार मांगा जाता है कि आप लिखित में दीजिए कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स है, फिर इसका कस्टोडियन कौन है वो भी बताना पड़ता है, किस किस अथॉरिटी के पास डॉक्यूमेंट मिलेगा, और साथ में उसका रिलेवेंसी भी उसको रीजन प्रूफ करना लिखना पड़ता है कि क्या रिलेवेंसी है उससे, फिर इंक्वायरी ऑफिसर उसको डिसाइड करेगा सही में रिलेवेंसी है कि नहीं। के बाद एक जो इम्पोर्टेंट बात थी जो कि अभी तक मैनुअल में वो बात नहीं आई है, वो इस सर्कुलर में आई है, इसलिए मैंने मास्टर सर्कुलर में इम्पोर्टेंस दी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि द इंक्वायरी ऑफिसर हैज टू मेंटेन अ डेली ऑर्डर शीट। डेली ऑर्डर शीट बहुत एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जनरली कोर्ट में भी मामला जाता है तो डेली ऑर्डर शीट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो कि मैनुअल में नहीं था और अभी तक कई लोगों ने मालूम नहीं होगा, शायद आपको भी मालूम नहीं होगा ये क्या नई चीज आई। डेली ऑर्डर शीट विच इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाई हिम ऑन डे टू डे बेसिस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इंक्वायरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है डेली ऑर्डर शीट। इसमें जो भी घटना हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, आज हमने इंक्वायरी की, हम लिखते हैं कि आज ये इस कनेक्शन में आज इंक्वायरी की गई, यहाँ ये लोग उपस्थित थे, बातें लिखी जाती है। चार्ज ऑफिशियल कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो वो उसमें नोट किया जाता है डेली ऑर्डर शीट में कि चार्ज ऑफिशियल ने आज ये डॉक्यूमेंट मांगे, मना कर दिया है तो ये वो मना कर रहा है। जो भी घटना होती है उसको ब्रीफ नोट के रूप में डेली ऑर्डर शीट में लिखी जाती है, कल को इन फ्यूचर कोई एलिगेशन लगता है इंक्वायरी के ऊपर बायस होने का या में मामला जाता है तो डेली ऑर्डर शीट के ऊपर अगर बातें सारी आपने स्पेसिफाई कर दिए तो काफी अच्छी बात हो जाती है। ये डेली ऑर्डर शीट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल द फैक्ट इसमें लिखा भी है, ऑल द फैक्ट रिलेटिंग टू नोटिस सेंट किंग ऑन रिकॉर्ड द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आप रिकॉर्ड पर ले रहे हैं, जो नोटिस सेंट कर रहे हैं, सब बातें डेली ऑर्डर शीट में लिखी जाती है। रिक्वेस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन मेड बाय आइदर पार्टी, कोई पार्टी जो भी रिक्वेस्ट कर रही है रिप्रेजेंट कर रही है, द डिसीजन ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर दे ऑन एंड द एग्जामिनेशन कोर्स एग्जामिनेशन अंडरटेकिंग शुड फाइंड ए मेंशन इन द डेली ऑर्डर शीट। तो मैंने जैसे बताया कि डेली ऑर्डर शीट में सारा घटनाक्रम, क्या घटनाएं हो रही है, क्या इंक्वायरी किसका एग्जामिनेशन हो रहा है, किसका एग्जामिनेशन रहा है, ड्यूरिंग इंक्वायरी क्या डॉक्यूमेंट मांगे, उसमें क्या इंक्वायरी ऑफिसर डिसीजन दिए, बीच बीच में कुछ ऑर्डर पास किए हैं, सारी सारी बातें डेली ऑर्डर शीट में लिखी जाती है। तो डेली ऑर्डर शीट शुड बी डेटेड एंड साइन बाय द इंक्वायरी ऑफिसर एंड सीरियल नंबर। डेली ऑर्डर शीट जो होगी वो सीरियल नंबर होगी, जैसे आज आज आपकी इंक्वायरी की तो आज आपका पहला नंबर होगा, फिर चार चार दिन के बाद दूसरा होता, दूसरा दो सेकेंड नंबर आएगा तो वो सीरियल में चलेगा। इंक्वायरी नेक्स्ट इंक्वायरी जो भी होगी वो टू नंबर, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी डेट होगी, जैसे अपने कोर्ट के अंदर हियरिंग होती है, पहले हियरिंग दूसरी हियरिंग, ऐसे यहाँ पे पहले जो भी इंक्वायरी होती है डेली ऑर्डर शीट वन होगी, फिर नेक्स्ट टू थ्री, उससे पता चल जाएगा आपकी कितनी सीटिंग हुई है, इससे भी पता जाएगा जितनी सीटिंग होगी उतनी डेली ऑर्डर शीट बनेगी। डेली ऑर्डर शीट इंडिकेट्स वेदर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू द चार्ज ऑफिशियल, वेदर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इन द रूल हैज बीन एडियर टू। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि कई बार क्या होता है जब इंक्वायरी खत्म हो जाती है तो चार्ज ऑफिशियल को लगता है कि मेरे चार्जेस सब शायद प्रूफ हो जाएंगे, तो वो कई बार कोर्ट में या हाई अथॉरिटी को कंप्लेन करता है कि सर मैंने ये डॉक्यूमेंट मांगा था, ये नहीं मांगा था, और
मेरे साथ नेचुरल जस्टिस नहीं किया, मेरे को अन्याय किया, मेरे साथ न्याय किया, तो हर बातें जो भी इंक्वायरी के दौरान घटना घटती है वो फ्यूचर क्या होगा उसका मत जाइए। आज आपने जो भी इंक्वायरी में जो भी बातें हैं, ये सारी बातें ईमानदारी से आप डॉलर लिख देंगे। अगर इंक्वायरी ऑफिसर ने, चार्ज ऑफिसर ने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, एडिशनल मांगे, जो भी मांगे, आप उसे लिख दीजिए मांगे, और आपने मना किया तो विद रीजन आप उसमें भी लिख दोगे। तो इन लेटर ऑन कभी भी कोई इश्यू समस्या आती तो आप बोल सकते हैं, हाँ भाई इसने मांगा था, मैंने इस रीजन से मना कर दिया। इस तरह की चीजें डेली ऑपरेशन में आपकी पिक्चर क्लियर होती है और ट्रांसपेरेंसी रहती है उसमें क्या क्या घटना घट रही है। ये डेली ऑपरेशन की इंपॉर्टेंस जो है आपके मैनुअल में नहीं था, जो यहाँ पे पैरा सी में लिखा हुआ है। अगर इन एडिशन टू डेली ऑपरेशन, द इंक्वायरी ऑफिसर हैज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग इन डिटेल, शुड कंटेन द डेट ऑफ प्रोसीडिंग्स, द ऑफिशियल प्रेजेंट, द एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर प्रोड्यूस वर्बाटिम, एंड एनी डिसीजन टेकन बाय इंक्वायरी ऑफिसर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग ड्रॉपिंग ऑफ विटनेस, अलाउिंग रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट ऑफ सीओ फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट विटनेस एक्सेट्रा। डेली ऑर्डर शीट में तो एक पूरा ब्रीफ आएगा, उसके बाद एक और जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो होते हैं आपके स्टेटमेंट्स जो लिए जाते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स की विटनेस को एग्जामिन किया जाता है, पूरा उसके लिए पूरा एक शीट होता है, लिखा जाता है, उसको टाइप किया जाता है, और आजकल तो कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर में टाइप किया जाता है। उसमें एम्प्लॉय का नाम, उसका डिटेल्स, डेजिग्नेशन, और जो भी एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन है, पूरी पूरी जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसके अंदर सारी की सारी बातें उस रिकॉर्ड में लिखा जाता है। क्वेश्चन पूछे क्या, और कोई जो भी कर्मचारी वो बोलता है वर्बली वो बोलेगा, उस चीज को टाइप किया जाता है। इस दौरान इंक्वायरी ऑफिसर ने कोई डिसीजन दिया है तो वो भी उसके अंदर आ जाएगा। दिस शुड बी साइंड बाय ऑल प्रेजेंट ड्यूरिंग द हियरिंग। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है कि डेली ऑर्डर शीट में नहीं लिखा है, लेकिन जनरली मैंने देखा है डेली ऑर्डर शीट और ये जो डॉक्यूमेंट, इसमें उस दिन इंक्वायरी में जितने भी लोग प्रेजेंट रहे, इंक्वायरी ऑफिसर अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर है तो वो, चार्ज ऑफिशियल और डीसी है तो वो, इंक्लूडिंग विटनेस, विटनेस भी यानी जितने भी लोग इंक्वायरी के दौरान प्रेजेंट थे सभी के उसमें साइन होते हैं, साइन होते हैं। कॉपी ऑफ प्रोसीडिंग शुड बी गिवन टू डेलीगेटेड एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ ईच डेज प्रोसीडिंग। जो जो जैसे इंक्वायरी होती है उस दिन की प्रोसीडिंग, पूरी इंक्वायरी को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या क्या बातें सामने आई, एग्जामिनेशन क्वेश्चन क्या हुआ, और अंत में सभी के साइन होते हैं, और साइन करने के बाद उसकी एक कॉपी, वो करीब 3-4 कॉपी में बनता है, एक कॉपी जो होती है चार्ज ऑफिशियल को दी जाती है। जो भी डे टू डे प्रोसीडिंग्स होगी उसमें एक कॉपी चार्ज ऑफिशियल को दी जाती है। रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स कैन आइदर बी इन हिंदी और इंग्लिश। तो जैसा कि बताया कि जो प्रोसीडिंग्स होगी, जो क्वेश्चन हम पूछेंगे, जवाब पूछेंगे, वो हिंदी इंग्लिश में होगी, जनरली होगी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रिक्वायर्ड दैट द डेलिगेट ऑफिस मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। इसमें कहा गया है कि जो भी डीआर के तहत जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि आप जो एम्प्लॉय चार्ज ऑफिशियल है उसको अपना बचाव करने का पूरा के पूरा उसको मौका मिलना चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रशासन उसको जो है को बचाव करने का मौका नहीं दे रहा। तो हमेशा इंक्वायरी के दौरान इतनी लंबी चौड़ी प्रोसीजिंग जो बनाई है उसके पीछे यही रीजन है। कोई भी, मेरा जो पर्सनल व्यू मैं बोलता हूँ और सरकार का भी मानना है कि कोई भी कर्मचारी के ऊपर जब आरोप लगाए जाते हैं, आरोप लगाना अलग चीज है, दोषी मानना अलग चीज है। जब आरोप लगे हैं तो आरोप लगते ही उस पर उसको दोषी मत मानिए। हम ये मानेंगे सिर्फ एक आरोप लगे हैं जब तक वो प्रूफ नहीं होता है, चाहे कोर्ट में हो चाहे यहाँ पर हो। तो जिस पर जब किसी कर्मचारी आरोप लगे हैं तो उसको बचाव का पूरा मौका दीजिए, उसके बाद अगर चार्जेस कुछ प्रूफ होते हैं तो अलग बात है, तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। इंक्वायरी ऑफिसर शुड एक्सप्लेन द प्रोसीडिंग्स टू चार्ज ऑफिशियल इन ए लैंग्वेज नोन टू हिम एंड इट शुड बी इंश्योर्ड दैट अंडरस्टैंड एक्सेप्ट द सेम बिफोर द साइन सिग्नेचर इज ऑब्टेन्ड। कई बार ऐसा भी होता है कि विटनेस है या चार्ज ऑफिशियल इलिटरेट होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। इसमें यही कहा गया है कि जो इंक्वायरी के दौरान जो प्रोसीडिंग्स हुई है सारी सारी जो बातें हैं चार्ज ऑफिशियल जो है, इंक्वायरी ऑफिसर जो है उसको एक्सप्लेन करेगा और उसको समझाएगा, उस बाद उससे सिग्नेचर लेगा। ये जो है इंक्वायरी, यहाँ पीएच पूरा हो गया जैसे मैंने बताया था। अब इंक्वायरी में जैसे बातें आई थी कुछ बातें यहाँ पे आई है, जो लंबा पैराग्राफ भी है। ड्यूरिंग द इंक्वायरी द एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ डिसिप्लिन अथॉरिटी हैज टू बी प्रोड्यूस फर्स्ट। जैसे मैंने कहा था कि डीआर के अंदर जब इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं रेगुलर है, सबसे पहले जो चार्जशीट के अंदर जो विटनेस होते हैं उसको ये माना जाता है कि डिसिप्लिन अथॉरिटी की विटनेस है। सबसे पहले डिसिप्लिन अथॉरिटी की विटनेस को जो है एविडेंस है, जो विटनेस है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। इट वुड बी इन करेक्ट टू एग्जामिन द चार्ज ऑफिशियल फर्स्ट। इसमें कहा गया है कि चार्ज ऑफिशियल को सीधा एग्जामिन नहीं करना है, पहले तो हम विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे।
शुड बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ सरकार ने बोला है कि कोई भी इंक्वायरी स्टार्ट होती है तो आप सीधे चार्ज ऑफिशियल को एग्जामिन मत करो, गलत होगा, और अगर ऐसा किया तो पूरा आपकी इंक्वायरी गलत हो जाएगी। कहा कि जो भी इंक्वायरी है पहले आपको विटनेस को एग्जामिन करो। ऑल द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड इन द चार्ज मेमोरेंडम हैव टू बी टेकन ऑन रिपोर्ट एंड क्लियरली मार्क्ड एज एग्जिबिट नंबर। तो चार्जशीट होती है उसमें तो लिस्ट ऑफ विटनेस होते हैं और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपकी चार्जशीट में है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, चार्जशीट में होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो उसमें उससे वो प्रूव हो गया। उन डॉक्यूमेंट को सबसे पहले रिकॉर्ड पे लेना पड़ेगा, एक एक डॉक्यूमेंट। जैसे मान लीजिए कोई आदमी एबसेंट था, एबसेंट के लिए उसके बाद SFI दी गई, तो एबसेंट के लिए उसको मस्टर होगा, मस्टर में एबसेंट लिखा होगा, वो आपकी SF5 के अंदर एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में होगा। वो डॉक्यूमेंट को आप ड्यूरिंग इंक्वायरी में रिकॉर्ड में लोगे, हाँ भाई ये रिकॉर्ड, ये डॉक्यूमेंट है, मस्टर है फ्रॉम द मंथ, तो यहाँ से आता हूँ, इसमें एम्प्लॉई एब्सेंट में आया गया, इसको मैं रिकॉर्ड पे लेता हूँ, इंक्वायरी ऑफिसर लिखा, दिस डॉक्यूमेंट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड मार्क एज एग्जिबिट BC जो भी है वो मार्क करके डेली ऑर्डर शीट में, और यहाँ पे उसमें रिकॉर्ड करके उसको पेपर पे लाना पड़ेगा अपने रिपोर्ट में, अपने डेली ऑर्डर शीट में, या अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स में लिखना पड़ेगा मैं इसको रिकॉर्ड पे लेता हूँ, ये कहा गया है। एंड साइन बाय द इंक्वायरी, इसमें साइन भी करना है। All the witnesses listed in charge sheet, charge memorandum have then to be examined one by one in presence of charge official. जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जितने भी witnesses थे charge sheet के अंदर, एक एक witness को examine one by one करना पड़ेगा। After examination of each prosecution witness, तो मैं बता दूँ जो witness charge sheet में होते हैं उनको बोलते हैं prosecution witness, और जो charge official लेके आता है उसको बोलते हैं defense witness। तो दोनों में अंतर बता दें, prosecution witness होगा एडमिनिस्ट्रेशन साइड से जो विटनेस होते हैं, जो चार्जशीट में जो मेंशन होते हैं विटनेस है, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस। फिर बाद में अगर अपन बोलते हैं जो चार्ज ऑफिशियल को या डीलिंग एम्प्लॉय जो भी रेलवे सर्वेंट के भी तू अपने डिफेंस में कुछ लाना चाहते हो विटनेसेस, उसको बोलते हैं डिफेंस विटनेस। तो यहाँ बताया कि आफ्टर एग्जामिनेशन ईच प्रोसिक्यूशन विटनेस द चार्ज ऑफिशियल हैज टू बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। में कहा गया पहले तो कहा गया एक एक वन बाय वन एक एक विटनेस का एग्जामिन होगा, और एग्जामिन होने के बाद चार्ज ऑफिशियल को भी मौका मिलेगा उनको क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस द इंक्वायरी ऑफिसर मे पुट सच क्वेश्चन द विटनेस एज थिंक फिट। एग्जामिनेशन के होने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर भी कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ सकता है, उसको ठीक लगता है। इफ एनी ऑफ द विटनेस हैज अर्लियर गिवन एनी स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी एक्सेट्रा, ही शुड बी आस्क्ड ड्यूरिंग द इंक्वायरी टू कन्फर्म द सेड स्टेटमेंट बिफोर इट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड एज एविडेंस। कई बार क्या होता है कि विटनेस जैसे होते हैं, खासकर विजिलेंस के मामले में क्या होता है कि विजिलेंस पहले स्टेटमेंट लेती है विटनेस का, वही विटनेस वापस चार्जशीट में आते हैं, तो विजिलेंस अपने स्टेटमेंट में क्वेश्चन आंसर करती है, वापस उसी विटनेस को वापस बुलाया जाता है, तो वापस वो क्वेश्चन आंसर पूछने के बजाय हम लिख देते हैं भाई ये स्टेटमेंट आपने दिया था विटनेस, आपने ये जो इसमें स्टेटमेंट पूछा गया है आपसे, जो विजिलेंस ने लिया, जिस भी अथॉरिटी लिया, ये आपने दिया था, आप कंफर्म करते हो इस बात को आज की तारीख में, आप कंफर्म करते हो कि इसमें जो कई बातें सही है आप उसको एग्री करते हो, तो पूरी क्वेश्चन मान लीजिए पहले फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी में जो भी पहले जो इंक्वायरी हुई विजिलेंस ने जिसने भी की, उसमें मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, वापस वो पूछोगे 50 क्वेश्चन तो आपको उसका 2 दिन खराब हो जाएंगे, तो सीधा एक ही लाइन में आ जाएगा कि भाई आप ये सारे बातें जो इसमें कही है कि आप इसको एग्री करते हो, आज भी एग्री करते हो, उसने हाँ कर दिया तो आपको जो 2 दिन का काम है 2 मिनट में खत्म हो जाता है। इसमें यही बात कही है कि उसको सीधा हम रिकॉर्ड को ऑन करा लेते हैं। If the statement is quite comprehensive, a mere confirmation of the statement by the witness should suffice during the inquiry instead of de novo examination of the witness. इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि किसी ने पहले ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को वापस हम करेंगे तो वापस फिर हमारा लंबा इस क्वेश्चन पूछने के लिए मतलब समझ लो कि फिर काफी टाइम लगता है, कई घंटे लगेंगे, तो सीधा आपने एक इन्फॉर्मेशन ले लिया, हाँ ये डॉक्यूमेंट आपने दिया था, ये साइन आपके, इसमें सिग्नेचर जो आपने किया आपके हैं, और आप इसको अभी भी आज की तारीख में कंफर्म करते हो, हाँ, तो आपका उसको दोबारा से सारे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। प्रेजेंटिंग ऑफिसर कैन आल्सो री एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन। ये मैंने बता चुका था कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद प्रेजेंटिंग ऑफिसर दोबारा चाहे तो री एग्जामिन कर सकता है, और एनी पॉइंट ऑन विच द विटनेस वाज क्रॉस एग्जामिनेशन, बट इफ री एग्जामिनेशन बाय प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज ऑन अ न्यू पॉइंट बाय देन परमिशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर हैज टू बी ऑब्टेन्ड। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नॉर्मली क्रॉस एग्जामिनेशन का री एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेकिन री एग्जामिनेशन में कोई नया पॉइंट आप लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंक्वायरी ऑफिसर का परमिशन लेना पड़ेगा। इफ री एग्जामिनेशन बाय प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज अलाउड एनी न्यू मैटर
अगर इंक्वायरी ऑफिसर न्यू मैटर पे अलाउ करता है तो फिर जो डिफेंस जो चार्ज ऑफिशियल है उसको भी दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा, ये बात करता है। इफ एनी ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज टू बी ड्रॉप ड्यू टू सम रीजन, दिस शुड बी डन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑफिशियल एंड दिस फैक्ट शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड फॉर्मली बाय द इंक्वायरी ऑफिसर इन द इंक्वायरी प्रोसीडिंग। इसमें यह कहा गया है कि चार्जशीट में जो भी विटनेसेस होते हैं, जैसे मैंने कहा उसको प्रोसिक्यूशन विटनेस बोलते हैं, और किसी वजह से मान लीजिए चार विटनेस है, पांच है, और एक आध को किसी वजह से आ नहीं पा रहा है, इंक्वायरी डिले हो रही है, जैसे हमने कहा इंक्वायरी का 150 दिन 180 दिन का टाइम होता है और कंप्लीट जल्दी करनी है प्रेशर ऊपर टारगेट, तो अगर लगता है कोई विटनेस है जो लगता है लिस्ट इंपॉर्टेंट है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हो, जो अवेलेबल विटनेस है ही हमारा चार्जेस प्रूव हो रहे हैं, जो भी इंक्वायरी को लगता है इससे इंक्वायरी हो जाती है सफिशियंट होता है, तो वो ड्रॉप करना चाहे तो ड्रॉप कर सकता है, और लेकिन ड्रॉप करने का ड्रॉप जो होगा वो चार्ज ऑफिशियल की प्रेजेंस में ड्रॉप होगा, उसके बारे में उसको जानकारी दी जाएगी, और ये जैसे ज्यादा डेली ऑर्डर शीट में लिखा जाएगा कि ये क्यों हम ड्रॉप कर रहे हैं। वन ऑफ द रीजन आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट टू सम रीजन ही इज नॉट टर्निंग अप टू इन द इंक्वायरी, ये रीजन होता है और इंक्वायरी डिले हो रही है रीजन होता है, या और कोई भी रीजन होता है, ऐसे किसी रीजन से अगर नहीं आ पाता है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। अगला एफ है, कॉपी ऑफ ऑरल एविडेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग शुड बी गिवन टू चार्ज ऑफिशियल इन केस इफ ही आस्क फॉर इट एंड ऑफ सच End of each day sitting or even on the conclusion of inquiry. So, जैसे बताया कि oral evidence जो भी जो गवाह है अपना मौखिक तौर पे जो गवाही देता है तो वो नोट टाइप किया जाता है और लास्ट में इंक्वायरी के एंड में या तो डेली करे या पूरी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद उसको जो भी प्रोसीडिंग में जो लिखा है जो भी बातें आई है उसको देना, उसकी कॉपी देनी है उसमें। आफ्टर द केस ऑन बिहाफ ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज क्लोज्ड, जैसे मैंने कहा था कि जब विटनेस सारे हो जाते हैं एग्जामिनेशन तो कहा जाता है कि केस ऑन बिहाफ ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज क्लोज्ड, यानी सारे विटनेस एग्जामिन हो गए, द चार्ज ऑफिशियल शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द डिफेंस। अब चार्ज ऑफिशियल को कहा दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए, डिफेंस करने के लिए, द चार्ज ऑफिशियल इफ ही सो डिजायर्ड शुड बी अलाउड टू एग्जामिन हिमसेल्फ इन ऑन बिहाफ चार्ज। एक बार जब केस क्लोज हो जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से, यानी कि सारे विटनेस एग्जाम हो गया है, तब चार्ज ऑफिशियल चाहे तो खुद को एग्जामिन करवा सकता है। द डिफेंस डॉक्यूमेंट इफ एनी वुड देन बी टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड डिफेंस विटनेस इफ एनी वुड बी एग्जामिन कर। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का पार्ट खत्म होने के बाद अब चार्ज ऑफिशियल या तो खुद को एग्जामिन कर ले या जो अपने उसके विटनेस हैं उसको रिकॉर्ड पे लिया जाएगा, और उसके जो विटनेस हैं अगर कुछ हैं तो उसको एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द इंक्वायरी ऑफिसर टू सेंड समन्स टू ऑल द डिफेंस विटनेस सेटेड बाय द चार्ज ऑफिशियल। लिखा है, कहा है कि कोई चार्ज ऑफिशियल डिफेंस विटनेस को बुलाने को बोलता है, दो चार पांच जो भी है जितने भी हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि सभी को लाया जाए। द इंक्वायरी ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट द एविडेंस प्रपोर्टेड टू बी गिवन बाय विटनेस विल बी इररिलेवेंट टू द चार्ज अगेंस्ट द चार्ज ऑफिशियल एंड फेलियर टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस वुड नॉट प्रेजुडाइज द डिफेंस। अगर उसको लगता है कि जो विटनेस मान लीजिए उसने चार पांच बताया, एक आध विटनेस उसको लगता है कि उनके इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, उसके डिफेंस में कहीं कोई कमी नहीं हो रही है, वो चाहे तो उसको मना कर सकता है। इंक्वायरी ऑफिसर में रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर समनिंग विटनेस ड्यूली रिकॉर्डिंग द रीजन देयरफॉर। तो लेकिन इंक्वायरी ऑफिसर को मना करेगा किसी को भी कि यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसको लाने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ, तो उसको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों मना नहीं करा, नहीं तो फिर नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में बात हो जाएगी। जैसे मैंने कभी मना करते हो तो वो चीज आपको लिखनी पड़ेगी डेली ऑर्डर शीट में कि भाई इसने इसको डिमांड किया था इस विटनेस के लिए, लेकिन मैं इस रीजन से मना करता हूँ, वो आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये माना जाएगा आपने इसको नेचुरल जस्टिस अपोजिट नहीं दिया, नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन किया। इन द केस ऑफ आउटसाइड विटनेस सेटेड बाय द चार्ज ऑफिशियल, अगर कोई चार्ज ऑफिशियल है वो कहीं बाहर के विटनेस को बुलाता है, यानी रेलवे एम्प्लॉई नहीं है, बाहर का कोई बंदा है, रीजनेबल द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन हिम टू एंश्योर हिज प्रेजेंस ड्यूरिंग द इंक्वायरी। अगर बाहर का किसी बंदे, जैसे इंक्वायरी ऑफिसर की जवाबदारी यहाँ तक होती है, रेलवे का बंदा है तो लेटर लिखेगा, लेकिन बाहर के बंदे को बुलाता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी चार्ज ऑफिशियल होगी कि वो उसकी प्रेजेंस को एंश्योर करे, वो कैसे आता है वो ऑफिशियल की जवाबदारी। However, all those defense witnesses who have been allowed by the inquiry officer who have come to give the evidence to be examined. इसमें कहा जाता है कि जो लेकिन जितने भी defense witnesses हैं जिनको allow किया inquiry के दौरान और जो आए भी inquiry में, फिर उनको examine करना ही पड़ेगा।
ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें भी, एट द एंड द इंक्वायरी ऑफिसर में जनरली क्वेश्चन द चार्ज ऑफिशियल ऑन सर्कमस्टेंसेस अपीयरिंग अगेंस्ट हिम इन द एविडेंस प्रोड्यूस एंड टू एनेबल हिम टू पुट फोर्थ हिज एक्सप्लेनेशन। बोलता है कि इंक्वायरी के एंड में सब सारे एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएंगे, एडमिशन साइड से ही प्रोसिक्यूशन विटनेस के भी और डिफेंस विटनेस के, फिर एंड में इंक्वायरी ऑफिसर जो होगा वो चार्ज ऑफिशियल को कुछ क्वेश्चन पूछेगा, पूछना जरूरी है, जो इंक्वायरी के दौरान कुछ बातें जो हो रही है जो उसके अगेंस्ट में जा रही है एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, तो ऐसे मामले में उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उसको अलाउ करेगा कि वो अपना जो भी डिफेंस देना चाहे बताए। सच क्वेश्चन ऑफ द चार्ज ऑफिशियल बाय द इंक्वायरी ऑथर वुड बी मैंडेटरी इफ द चार्ज ऑफिशियल हैज नॉट एग्जामिन हिमसेल्फ एज ए विटनेस एंड फेल्योर द इंक्वायरी ऑफिसर टू डू दिस वुड अमाउंट डिनायल ऑफ रीजनेबल ऑब्जेक्शन। बोला कि ये क्वेश्चन जो पूछना जरूरी है अगर चार्ज ऑफिशियल ने अपने एग्जामिन नहीं किया तो। लास्ट में जनरल क्वेश्चन जैसे मैंने बताया ऊपर बोला था कि चार्ज ऑफिसर तो अपने को एग्जामिन करता है, वहां अगर उसने एग्जामिन नहीं किया तो फिर यहाँ लास्ट में क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि भाई ये इंक्वायरी के दौरान ये जो बातें आई हैं आपके नेगेटिव में जा रही है, आपके अगेंस्ट में जा रही है, अब आप कुछ करना चाहते हो, तो उसमें जनरल क्वेश्चन पूछना पड़ेंगे। अगर नहीं पूछे तो ये माना जाएगा कि आपने उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, ये फिर अगेंस्ट जाएगा डीआर इंक्वायरी के नियम के। After the production of evidence is completed, the inquiry officer may allow the presenting officer and the charge official to file written as a final representation of their respective cases. अब जैसे मैंने बताया जब इंक्वायरी पूरी कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में जो इंक्वायरी ऑफिसर जो होता है वो दोनों प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिशियल को बोलता है कि जो भी इंक्वायरी के दौरान जो बातें आई हैं उसके ऊपर फिर अपना ब्रीफ बताइए कि चार्जेस प्रूव हुए नहीं हुए, आप अपनी बात रखो। दोनों को रखने का है, डिफेंस ब्रीफ दोनों को देने का है। This again is not mandatory in all cases. देना मतलब बोलेगा वो, देना जरूरी नहीं है। Again is not mandatory in all cases, but if it is allowed, the presenting officer's brief should be obtained first and copy given to charge officer to enable him to present his defence. ये बातें देखो मैनुअल नहीं थी, मैनुअल ने सिंपल ही कहा था कि presenting officer और charge officer को brief देने के लिए कहा जाएगा और जैसे उनसे brief आएगा ये अपना report बनाएगा। यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि इंक्वायरी ऑफिसर जो है चार्ज ऑफिशियल और प्रेजेंटिंग ऑफिसर दोनों को बोलेगा इंक्वायरी खत्म होने के बाद कि अब आप अपना ब्रीफ दीजिए क्या कहना चाहते हैं। उसके अंदर रूल ये है कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो होगा एडमिशन उसका ब्रीफ पहले लिया जाएगा और वो ब्रीफ भी चार्ज ऑफिशियल को दिया जाएगा, साथ नहीं देना आपको। प्रेजेंटिंग ऑफिसर से ब्रीफ लिया जाएगा और वो ब्रीफ चार्ज ऑफिशियल को दिया जाएगा और उसके बाद चार्ज ऑफिशियल बोला जाएगा कि आप जो भी केस में जो भी बातें सामने आई है उनको देखते हुए और प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने जो आपकी बात आपके बारे में जनरली प्रेजेंटिंग ऑफिसर एडमिशन साइड में होता है वो चार्ज ऑफिसर अगेंस्ट में लिखेगा, तो ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने जो लिखा है अब अपना इन सबको मद्देनजर रखते हुए आप अपना डिफेंस ब्रीफ लास्ट में दो, ये कहा गया इसमें। However, if the inquiry has been held ex parte, there is no need to give an opportunity to charge official to file a written brief. एक्सपर्ट इसमें कहा गया अगर इंक्वायरी एक्सपर्टी होती है तो जरूरी नहीं है कि चार्ज ऑफिशियल को रिटर्न ब्रीफ करने का, अगर एक्सपर्टी का मतलब होता है कि वो आ ही नहीं रहा इंक्वायरी में तो जब नहीं आ रहा तो रिटर्न ब्रीफ के लिए हम क्यों कहेंगे, और फिर रूल भी है तो वहां ये नहीं बोला जाएगा नेचुरल जस्टिस नहीं दिया आपने रिटर्न ब्रीफ का मांगा नहीं। एक्सपर्टी इंक्वायरी अगर कर रहे हो तो वहां आपको चार्ज ऑफिशियल से ब्रीफ मांगने की जरूरत नहीं। इफ द चार्ज ऑफिशियल डज नॉट अपीयर बिफोर द इंक्वायरी ऑफिसर द इंक्वायरी मे बी हेल्ड एक्सपर्टी। कहा गया कि चार्ज ऑफिशियल अगर इंक्वायरी में उपस्थित नहीं हो रहा है बार बार रिमाइंडर देने के बाद और समन भेजने के बाद भी तो इंक्वायरी को आपको एक्सपर्टी करनी है। हाउएवर ए कॉपी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द डे टू डे प्रोसीडिंग ऑफ इंक्वायरी एंड नोटिस ऑफ द हियरिंग शुड बी सेंड टू चार्ज ऑफिशियल। तो इंक्वायरी के दौरान अगर इंक्वायरी में चार्ज ऑफिशियल नहीं आ रहा है तो भी जो भी इंक्वायरी में डे टू डे जो भी डेली ऑर्डर शीट और जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग में जो विटनेस के एग्जामिन क्रॉस एग्जामिनेशन जो भी हो रहे हैं जो भी बातें लिखी जा रही है जो भी गवाह को बातें नोट की जा रही है गवाह में डे टू डे जो भी हो रहा है वो सारी की सारी कॉपियां आपको चार्ज ऑफिशियल को भेजना है एंड नोटिसेस ऑफ द हियरिंग शुड बी सेंड टू चार्ज ऑफिशियल सो दैट ही इज अवेयर ऑफ व्हाट इज ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स एंड ही दिस आल्सो एनेबल हिम टू जॉइन प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज। ताकि चार्ज ऑफिशियल को मालूम चले कि इंक्वायरी के दौरान उसके खिलाफ या जो भी क्या क्या बातें सामने आ रही है विटनेस उससे क्या क्या बातें सामने आ रही है और वो चाहे तो किसी भी स्टेज में प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन कर सकता है इफ अगर ज्वाइन करना चाहे। This procedure should be compiled with invariably an inquiry officer should ensure that full opportunity is provided to the charge official to defend. कहने का मतलब यह है कि इंक्वायरी ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि जो भी बातें हो रही है सारी की सारी बातें उसको चार्ज ऑफिशियल बताए और सारे रूल को कंप्लाई करे और यह लगना चाहिए कि
चार्ज ऑफिशियल को हम पूरी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो किसी भी टाइम पे किसी भी तरह अपना बचाव करे, ये दिखना भी चाहिए, तरह की बातें करेंगे। मिनिमम टाइम टू बी गिवन टू चार्ज ऑफिशियल फॉर वेरियस पर्पस लाइक रिप्लाइंग ऑफ द चार्ज शीट, एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा स्पेसिफाई इन सब रूल 9 शुड एडियर टू। इसमें कहा गया है कि जो टाइम लिमिट दिया है किसी भी को डिफेंस देने के लिए या ब्रीफ देने के लिए या एग्जामिनेशन के लिए, जो भी टाइम है वो जो भी हमारे रूल 9 में जो टाइम दिया उसको हमको फॉलो करना है। मॉडल टाइम शेड्यूल ऑफ 150 डेज हैज बीन लेट डाउन फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ उसने कहा कि फाइनल करने के लिए 150 दिन का टाइम दिया हुआ है, विच आल्सो स्पेसिफाई द टाइम विथिन विच द डिफरेंट स्टेजेस इन डिसिप्लिन प्रोसीडिंग शुड बी कम्प्लीटेड। स्टेजेस के लिए 150 दिन दिया है। द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग ए कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट टू चार्ज ऑफिशियल अलाउंग हिम टू प्रेजेंट अगेंस्ट द सेम बिफोर द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द डिसिप्लिन, एन एडिशनल टाइम ऑफ अबाउट 2 मंथ्स हैज बीन एडेड टू द मॉडल टाइम। इसमें कहा गया है कि अभी लास्ट में शायद उन्होंने कहा कि पहले नहीं बोलेंगे, बाद में इंक्वायरी रिपोर्ट जो फाइनल होती है वो भी देने का रूल चालू हो गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट चार्ज ऑफिशियल को उसके लिए 2 महीने एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसको। हाउएवर द मॉडल टाइम शेड्यूल इज नॉट मैंडेटरी बट हैज बीन प्रिस्क्राइब ओनली गाइडलाइंस सो दैट डिसिप्लिनरी केस आर एक्सपेक्टेड। नॉर्मली इसने बोला 150 दिन और एक्स्ट्रा 2 महीने दिया, ये जो मॉडल टाइम है ये मैंडेटरी नहीं है, ये जस्ट एक गाइडलाइंस है ताकि लोग जल्दी से उसको डीआर इंक्वायरी फाइनल करें। While conducting the inquiry officer should ensure that principle of natural justice are not violated and there is no denial of reasonable opportunity to the charge official in defending himself. इसमें ये बहुत important point है कि inquiry करते वक्त inquiry officer की सबसे बड़ी जवाबदारी ये होती है कि principle of natural justice को follow करे, violate नहीं होना चाहिए और हर मौके पर हर inquiry में लगना चाहिए कि हम चार्ज ऑफिशियल को पूरी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने केस को बचाव करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, ये चीज दिखनी चाहिए उसके अंदर। If the inquiry officer ceases to be furnished as inquiry officer in a case after hearing, इसमें मैंने जैसे पहले बताया मैनुअल की बात रिपीट किया कि इंक्वायरी ऑफिसर कभी भी इंक्वायरी कर रहा है और आधी इंक्वायरी के बाद छोड़ के कोई दूसरा इंक्वायरी आता है उसके अंदर इंक्वायरी आता है तो वो जहां से जितने इंक्वायरी के ऑलरेडी एग्जामिन कर चुके हैं उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे से इंक्वायरी स्टार्ट करके कंक्लूड करता है। और अगर उसको लगता है कि ऑलरेडी जो विटनेसेस एग्जामिन हो चुके हैं मुझे दोबारा करना है उसको, अगर दोबारा उसको लगता है दोबारा करना है तो दोबारा उसको बुला के दोबारा इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी रिपोर्ट बी प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद रूल 925 मैंने कल के जो वीडियो में 1 और 2 में बताया था उसके हिसाब से आपको इंक्वायरी रिपोर्ट बनानी है। जो भी डॉक्यूमेंट 4-5 डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे इसमें, ये शुड कंटेन ए डिटेल एनालिसिस ऑफ एविडेंस टेकन ऑन रिकॉर्ड ड्यूरिंग द इंक्वायरी विद एक्चुअल रेफरेंस ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द विटनेसेस एंड द चार्ज ऑफिशियल आल्सो डॉक्यूमेंट। तो जो रिकॉर्ड इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगी जो पूरी आपको डिटेल में जो भी एविडेंस ने जो बातें कही, जो भी बातें गवाहों ने जो बातें कही और जो डॉक्यूमेंट्स ने जो बातें सामने आई उन सबको ध्यान में रखे वो डिटेल बनेगी। द फाइंडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकुलर चार्जेस शुड बी क्लियर एंड कैटेगोरिकल। फाइंडिंग्स आपको हर आर्टिकुलर चार्जेस के सामने अपना अपना फाइंडिंग्स हर आर्टिकुलर चार्जेस में अलग अलग देना है। इफ अ चार्ज इज हील्ड एंड पार्टली प्रूव्ड द फाइंडिंग शुड क्लियरली स्टेट द एक्सटेंट टू विच द चार्जेस इज एस्टैब्लिश विद कंजेंट रीजन देयरफॉर। अगर कोई चार्ज जो है वो पार्शियली प्रूफ होता है तो बताना पड़ेगा कि किस लिमिट तक ये पार्शियली प्रूफ हो जाएगा और उसका एक ठोस रीजन में होना चाहिए। इट शुड बी एंश्योर्ड दैट इंक्वायरी रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन डिटेल एनालिसिस ऑफ द एविडेंस इन फाइंडिंग इन रिगार्ड टू द चार्जेस आर स्पूरियस। तो ये पूरा इसमें ये बताया कि पूरी आपको डिटेल एनालिसिस करना है कि एविडेंस के ऊपर इस तरह की बात की उसी के आधार पर आपको फाइंडिंग्स बनानी है। इंक्वायरी ऑफिसर शुड नॉर्मली कंप्लीट इंक्वायरी विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इसमें यू कहा गया कि इंक्वायरी जो है आपको 6 महीने में पूरा करना है फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सच सबमिट इज रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। इन द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही शुड ले डाउन ए डिफाइंड टाइम बैकग्राउंड। ये जस्ट एक जनरल बात की है कि आपको 6 महीने में करनी है और आपको पूरा प्लानिंग करना है, स्ट्रेटेजी करना है, इस छोटी बात की। ये इंक्वायरी में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये हमारा इंक्वायरी पार्ट हो जाता है। मैं आज चाह रहा था कि लास्ट जो मेरा था टाइम उसमें कम्प्लीट करूँ। लास्ट में बस 1-2 मिनट एक बात करूंगा कि एक्सपार्टी इंक्वायरी की बात आई है। एक्सपार्टी के बारे में लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं जस्ट ब्रीफ कर दूं। एक्सपार्टी का मतलब ऐसा नहीं कि आपको इंक्वायरी नहीं करनी, कई लोग बोलते हैं। अगर कोई इंक्वायरी में कोई एक्सपार्टी की अलग कंडीशन होती है, होता है वो बुला रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, वो आपको रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपसे मिसबिहेव कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, ऐसी कई सारी कंडीशन है जिसमें इंक्वायरी ऑफिस चाहे तो एक्सपार्टी इंक्वायरी कर सकता है। एक्सपार्टी इंक्वायरी का में बस इतना होता है कि आपकी इंक्वायरी के दौरान जो है चार्ज ऑफिसर प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन आपको इंक्वायरी में एक्सपर्ट इंक्वायरी में और नॉर्मल इंक्वायरी में अंतर से इतना है कि सिर्फ चार्ज ऑफिसर वहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा,
कोर्स एग्जामिनेशन नहीं होगा, एक एक विटनेस और एक एक डॉक्यूमेंट को आपको रिकॉर्ड पे लेना है, एक एक डॉक्यूमेंट को आपको एग्जामिन करना है, सारे क्वेश्चन आपको पूछने हैं, एग्जामिनेशन नहीं होगा क्योंकि चार्ज ऑफिसर नहीं है ना उसका डीसी। ये एक्सपर्टी ये मतलब है आपको पूरी इंक्वायरी करनी है स्टार्टिंग, जैसे मैंने बताया था 9 नंबर का रूल, इसमें भी पूरी ए से लेकर जेड तक आपको पूरी इंक्वायरी करनी हो, सारी इंक्वायरी की रिपोर्ट डे टू डे आपको इंक्वायरी चार्ज ऑफिसर को भेजनी है, उसको बार बार मौका देना है, तो ये पूरी एक्सपर्टी इंक्वायरी होती है। मैं समझता हूँ जो इंक्वायरी टू कंडक्ट एन इंक्वायरी अंडर डीआर रूल, ये पूरा के पूरा आज खत्म हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको पसंद आया होगा, कुछ पूछना पूछ लीजिए, टाइम खत्म होने वाला है, बोलना है? नो सर, इट वाज गुड एक्चुअली। आज का थॉट ठीक है ना, मास्टर सोल थॉट डिटेल में था, या एवरीथिंग वाज इन अ डिटेल्ड मैनर, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो हमको उससे मैनुअल नहीं, मैनुअल के बाद जो रिलेवेंट सर्कुलर निकाले हैं उसमें काफी डिटेल गाइडलाइंस होती है, वो भी आप पढ़ेंगे, यानी किसी सब्जेक्ट में जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है वो हम जब देखेंगे तो हमको सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। देखा जाए इंक्वायरी करने के लिए ये मास्टर सर्कुलर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा डिटेल में बताया, लेकिन आपको दोनों देखना पड़ेगा, मास्टर सर्कुलर भी और डी आर रूल भी देखना पड़ेगा दोनों आपको, कि आप इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी का जो मेन चीज है वो है कि आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है और नेचुरल जस्टिस को करना है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्वायरी ऑफिसर के लिए।